तो भाई साहब फाइनली गोरम घाट की तलहटी पे पहुंच चुके हैं। देखो यार क्या वाटर। ऐसे नॉर्मली यहाँ पे जो चार्ज है ना अंदर एंट्री के लिए वो 130 रुपीज है पर पर्सन। हमने अपनी पर्ची कटा ली यहाँ पे, अब चल रहे हैं आगे। ये भी सही है यार एंट्री के लिए भाई साहब। अब तुम देखो नजारे, एंट्री कर चुके हैं गोरम घाट के इस वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर। अब देखो ऊपर यहाँ से पहाड़ दिख रहे हैं बराबर, और पहाड़ों के ऊपर जो बादल ना एकदम साफ आपको मोबाइल के अंदर भी दिख रहे होंगे। अब तो एक बुरी खबर हमारे लिए ये है कि इस गाड़ी की हवा ओवर निकल चुकी है थोड़ी सी कम। देखिए क्या कैसे पहाड़ है यार। बड़ा ही खराब है, पर वही है ना कि जितना खराब रास्ता मंजिल उतनी खूबसूरत। पानी की कोई कमी है क्या यार? कितना साफ पानी कुछ नहीं देखा भैया, क्या नाले बह रहे हैं देखिए। जबरदस्त। तो भाई साहब फाइनली गोरम घाट की तलहटी पे पहुंच चुके हैं, और नज़ारा देखिए लोग बाग यहाँ पे जो है ना खूब आ रहे हैं भाई साहब, खूब फैमिली के साथ में अकेले और इन जैसे फिल्मी सितारे ये भी आ रहे हैं यहाँ पे, ऐसी बात नहीं है। अब जो रियल एडवेंचर है ना बॉस वो अब शुरू होगा यहाँ से। ये देखो जहाँ तक गाड़ी आ सकती थी लेके आए, और पथरीले रास्ते अब यहाँ पे गाड़ी चलती नहीं है। और एक बार नज़ारा चारों तरफ से देखिए दोस्तों, कहाँ से यहाँ से है कि रास्ता समझना पड़ेगा कौन सा है, इधर से चलना है कि उधर से चलना है। ये देखो भुट्टे मिल रहे हैं यहाँ पे, भुट्टे खाने हैं किसी को तो भुट्टे खा लेना भैया। ये नहीं जबरदस्ती नहीं ले जानी हो गाड़ी, ऐसा है कि ज़बरदस्ती अगर कार गाड़ी लेके जानी है तुम्हें तो पंचर वंचर करनी है तो लेके जा सकते हो, नहीं तो अपने पैरों पे जाओ भाई। लोग सारे बोलो जय भोले शंकर। ये जो चोटी है ना, इस चोटी के सबसे ऊपर है गोरखनाथ जी का मंदिर, वहाँ पे जाने की कोशिश करेंगे। कम से कम ये जो रास्ता है ना ऊपर जाने के लिए 2.5 से 3 घंटे का है। बंदर देखो और कितनी ज़्यादा मात्रा में बंदर है यहाँ पे भाई। ओहो ये देखो जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बबाड़ा मती, हर महादेव। देखिए खूब सारे बंदर यार। मेरा कैमरा नहीं छीन के भाग जाए ये। भीड़ देखो यार आज कुछ तो संडे है भैया। तुम लोग फैमिली के साथ में बेझिझक आ सकते हो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो हेलो, अब इनका सबका स्टेमिना चेक होगा यहाँ पे। यार ये रास्ता वाकई में बड़ा खूबसूरत है। गाड़ियाँ देखो यहाँ पे आ रही है यार। अरे यार गाड़ी यहाँ नहीं आती, तुम लोग लेके ही नहीं आए। चलो सब ऑफ रोडर बन रहे हो खाली नाम के। भुट्टे मिल रहे हैं यहाँ पे, किसी को भुट्टे खाने हो ना, मिर्ची बड़े भी मिलते हैं। वो देखो असली नज़ारे कैमरे में शायद दिख रहे होंगे। जो ये पटरी है ना यहाँ से और रेल जाती है।
देखो यार क्या मस्त झरना है यहाँ पे। अभी नहाएंगे नहाएंगे। सिर्फ मेरे को एक पावर बैंक और कोड दे दे, और कुछ नहीं चाहिए। अरे पावर बैंक और कोड चाहिए खाली, इसको थोड़ा चार्ज में लगा दूँ। देखो ये आगे देखो पटरियाँ, ट्रेन जाती है यार इस रास्ते से। क्या खूबसूरत रास्ता है यार। ये रिकॉर्ड, हाँ ये कोड दे दो और वो पावर बैंक दे दो ब्लैक वाला। चार्ज लगा देते थोड़ा कैमरा। हाँ बस ठीक है। अरे जी। यार ये देखो फैमिली देखो तुम। चाय पकौड़ी गरम खानी है तो खा सकते हो भाई। यार तुम थका दोगे, थोड़ा आराम तो कर लो यार। आराम नहीं करना, तू आया किसी ऐसा। खा लो, मरवा दिया। ये देखो झरना, क्या मस्त नज़ारा यार। क्या आनंदीर जी थक गए? अभी तो वहाँ जाना है। ये देखो यहाँ से देखो एक बार। अरे भी यहाँ से ले देख, वो देख धूप उठ रही। वो तो ले लिया रे भाई। इतना सा है, सांस भूल गई है। अभी और ऊपर जाना है, देखो वो पटरियाँ दिख रही है, वहाँ तक जाना है अभी एक बार। देखो यार रास्ता भी थोड़ा सा खतरनाक है। आया ना इधर। अरे खूब है, तुम चलते रहो, झरने वगैरह सब है। भाई यार जबरदस्त। ये देखो ये वो मैन जो आपने वीडियोस वगैरह में रील्स वगैरह देखी होगी ना, वो ये ट्रेन की पटरियाँ। यहाँ से जाती है ट्रेन मावली से होके, और यहाँ तक हम पैदल आ चुके हैं। और नीचे देखिए दोस्तों खूब सारी भीड़। ये देखो दिख नहीं रही यहाँ पे। ये देखो बांध रही है, ये देखो इसको। शशि को आ गया बहुत मजा यहाँ पे। ऐसा हो तो देखो यार क्या मस्त नजारा। मैंने सोचा सिर्फ हम लोग ही जा रहे हैं। क्या रे, तुम लोगों ने भी यही सोचा कि तुम चार्ज नहीं होगे वहां पे? सही में बिल्कुल था ये रास्ता। कहाँ गए उमेश भाई साहब? अभी तुम्हें दिखाते हैं यहाँ का वाटरफॉल, जिसके लिए लोग यहाँ पे आते हैं। देखो तुम वाटरफॉल, और नज़दीक चलते हैं थोड़ा सा। थोड़ा सा रिस्की है भाई। ये वाटरफॉल देखो यार, ये देखो भाई साहब मंदिर, मंदिर मंदिर के ऊपर से देखिए क्या गजब नज़ारा यार। यहाँ ट्रेन आ रही है अभी, ट्रेन का खूबसूरत नज़ारा। कोइंसिडेंटली देखो टाइमिंग ये है ना, इस टाइमिंग पे ट्रेन आ रही है और आपको देखने को मिल जाएगी आज। मीटर गेज वाली पतली सी ट्रेन है ये, और भीड़ देखना इसके ऊपर और भयंकर। लोग ऊपर तक बैठ के आ रहे हैं, देखो छोटी सी ट्रेन थी बस, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ 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 नौ डब्बे इसमें। बोले गजब का वाटरफॉल। हाँ दे दे, अभी हम भी जाएंगे यार, इस पानी को मैं भी मिस करना नहीं चाहूँगा। देखो घुसते हैं, तुम नज़ारा देखो यार। चलो चलते हैं यार पानी के अंदर, मैं भी जाता हूँ। कितना गहरा देखना पड़ेगा यार।
ज्यादा गहरा तो नहीं है ये, आ गया मैं भी पानी के अंदर। वाटरफॉल देखो, नजारे देखो यहाँ से। हाथ पकड़ो, अरे यार बाहर इधर नहीं तो यहाँ बैठ लो, मारो ले तो। पानी यार बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा पानी है क्या? पानी ठंडा है भाई लोग। ये जगह थी बहुत ही मस्त, आपने देखी सारी, एक्सप्लोर करवा दी मैंने। और अभी है ना एक्चुअली में ये लोग बोल रहे हैं कि खेत ऊपर तक जाना है, ऊपर एक्चुअली में जाने में पूरा दिन लगेगा और वापस आने में भी लगभग, क्योंकि रास्ता भी ख़राब है और बहुत ज़्यादा दूर है। तो मैंने बोला कि भाई मेरी बात मानो, ऊपर एक दिन रखो तो सही रहेगा यार, बहुत ज़्यादा दूर है। अभी तीन तो अभी बच चुकी है यार, ज़्यादा टाइम हो गया। यहीं पर कूद लो, जो भी करना है यहाँ पर मज़े करो। ऊपर ले चलते हैं, बाकी ये वीडियो कैसा लग रहा है आपको ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा यार। सारों ने मजे करे, मैंने आपके लिए वीडियो बनाया। ऊपर है क्या भैया? प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ये व्यू देखने के लिए तैयार हो जाइए दोस्तों। शानदार जूतों में यार बहुत फिसलन हो रही है, नंगे पांव जाना पड़ेगा यहाँ पे। हाँ वो सब हो जाएगा, चिंता मत करो तुम। एक बार तो मैं गिर चुका हूँ कैमरा लेके, अब मोबाइल की बारी है लग रहा है। इधर से देखो यार वापस से नज़ारे, ऊपर चल रहे हैं और अपन, अब नीचे ध्यान रख के फिर चढ़ना पड़ेगा। तुम तो देखते जाओ बस नज़ारे, ये नज़ारे तुम्हें यहाँ पे आने के लिए मजबूर तो करेंगे, ये तो बात सही है। दोस्तों सुबह 5 बजे आओ तब मज़ा आता है यार। हाँ एक बात और है, अगर पूरा आनंद लेना ना इस जगह का तो भैया घर से निकल जाओ तुम 5 बजे, ताकि यहाँ पे पहुँच जाओ टाइम पे, फिर तुम जो सारे मज़े ले पाओगे। ये देखो क्या है ना, अभी 3 बज चुकी है और आधा भी एक्सप्लोर नहीं करा इस जगह को हमने। भैया ये देखो मीटर गेज ट्रेन जो अभी यहाँ से निकली थी, क्या गजब नजारा यार भाई साहब, शानदार। और अभी ये भाई लोग बोल रहे हैं वहां चढ़ने का, कम से कम 1.5 घंटे का रास्ता, देखते हैं चढ़ पाते हैं कि नहीं चढ़ पाते हैं। एक बार चलने की कोशिश तो करते हैं यार, चलो। हाँ चलो ध्यान से आना, चलो तुम चलो, चलते रहो। भैया बड़े खतरनाक रास्ते पे मुंह चल रहा हूँ, इधर उधर से आप देखिए, अगर गिर गया ना हड्डियां तक नहीं मिलेगी। वैसे है सेफ्टी पूरी, ऐसी बात नहीं है, चक्कर आने लग गई। धीरे धीरे चलना पड़ेगा, चक्कर आ रही है। भाई मेरे इस नज़ारे के लिए तो लोग यहाँ पे आते हैं, ये देखो पटरियों के बीच में दोनों तरफ पहाड़ियाँ।